हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि यूजीसी ने रिलीज़ किया है, और ये है मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप के रिजल्ट से रिलेटेड। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम वो रिजल्ट देख लेते हैं जो कि मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप है। तो इसके लिए हम लोग जो है रिजल्ट देख लेते हैं कि रिजल्ट जो है वो कहाँ पे है। तो इसके लिए आपको टाइप करना पड़ेगा यूजीसी। जैसे आप यूजीसी टाइप करेंगे तो आपका जो यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। तो आपको www.ugc.ac.in पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो है यूजीसी का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा, और कुछ इस तरह से जो है आपका जो है वेबसाइट का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो ये जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गया है। तो इस पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है डिफरेंट डिफरेंट जो टर्म्स यहाँ पे मेंशन करे हैं। तो जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यूजीसी का वेबसाइट जो है वो यहाँ पे ओपन किया हुआ मिलेगा। तो ये भी देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो यूजीसी का ऑफिशियल लाइक वेबसाइट है, और आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। और आपको देखना कहाँ है, आपको नोटिसेज में देखना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देख सकते हैं रिजल्ट मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट 2020-21। तो ये जो रिजल्ट है 17 दिसंबर 2020 को पब्लिश हो गया था। तो आपको करना क्या, आपको क्लिक करना है इस पर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे कुछ लाइक 1, 2, 3, 4 करके यहाँ पे आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं नोटिफिकेशन डेट, गाइडलाइंस ऑफ स्कीम, पब्लिक नोटिस डेटेड और लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट। तो आपको क्लिक करना है रिजल्ट देखने के लिए लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स MANF 2020-21। इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर अवार्ड ऑफ मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट इन एप्लीकेशन नंबर ऑर्डर। तो यहाँ आप देख सकते हो एप्लीकेशन नंबर दे रखा है, रोल नंबर यहाँ मेंशन कर रखा है, और जो माइनॉरिटी भी जो है कि आप जो है क्रिश्चियन है, पारसी है, मुस्लिम है या बुद्धिस्ट है, तो आप कौन सी माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, तो उसके बेस पे जो है यहाँ पे जो है सारा आपको डाटा यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रॉल डाउन करिए तो यहाँ पे सारे जो है आप लोग का अगर रोल नंबर मैच कर रहा है तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन है। वहीं देखिए यहाँ पे NTA का जो UGC नेट June 2020 का जो रिजल्ट आया है उसकी बेस पर भी जो है यहाँ पे कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया गया है मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर और माइनॉरिटी यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। तो आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी UGC नेट June 2020 का और भी जो लोग क्वालिफाई किए गए हैं उसका भी यहाँ पे जो है लिस्ट दे रखा है रोल नंबर और माइनॉरिटी के साथ। फिर यहाँ पे देखिए और भी लोगों का है, तो ये देखिए जो डेट है वो 30 नवंबर 2020 को ही यहाँ पे जो है ये सब जो एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर और माइनॉरिटी की लिस्ट को जो है वो अपडेट किया गया था। तो आप स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी लोगों को फेलोशिप दी गई है। तो देखिए यहाँ पे जो है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर अवार्ड ऑफ मौलाना आजाद फेलोशिप। तो आप देख सकते हैं 6 पेज नंबर पे, यानी कि ऑलमोस्ट जो यहाँ पे 1000 जो फेलोशिप दी जाती हैं, जिसमें से क्या होता है हर, जैसे कि हमें पता है कि नेट का एग्जाम 2 टाइम्स होता है, तो 500 एक टाइम और दूसरे टाइम 500, तो ऐसे करके जो है यहाँ पे टोटल 1000 जो है अवार्ड दिए जाते हैं। तो ये रिजल्ट है, अगर आप इस पर देखना चाहते हैं कि आपका आपका नाम इस लिस्ट में है कि नहीं है तो आप यहां से देख सकते हैं। तो इसमें जो मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप का जो क्राइटेरिया होता है वो सिर्फली आपका रहता है नेट, UGC नेट या CSIR नेट की बेस पे। तो अगर आपने UGC नेट या CSIR नेट क्वालिफाई किया है तो उसकी बात जो है ऑटोमेटिक जो है यहां पे आप जो है इस फेलोशिप के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए जो नेट है वो कंपलसरी है, उसके बिना आपका जो है यहाँ पे क्वालिफिकेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये अवार्ड मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप का जो कि 2019-20 सिलेक्शन ईयर के लिए जो यहाँ पे जो है जितने ही बच्चे हैं जो भी क्वालिफाई किए उन सबका जो लिस्ट है, रोल नंबर, एप्लीकेशन और जो माइनॉरिटी सारा यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो इसके अलावा अगर हम नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 17 दिसंबर को नोटिफिकेशन आया था कि फॉर द अवार्ड ऑफ मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट फॉर रिसर्च लीडिंग टू अवार्ड ऑफ MPhil या PhD। और ये सिलेक्शन ये यहाँ मेंशन कर रखा है वो 2019 और 20 यहाँ पे जो है मेंशन किया रखा है, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके डिस्कस किए हैं। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और बोली गई है कि इसमें जो सिलेक्शन है वो उन बेस पे कि यानी कि अगर सपोज किसी ने PhD में ऑलरेडी जो है वो इनरोल कर लिया है पहले से ही तो उन्हें जो है यहाँ पे प्रेफरेंस दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह के कुछ जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो यूज़ किए जाते हैं इस लिस्ट को बनाने के लिए, यानी कि आपके सिलेक्शन के लिए इन सबको जो है बनाए जाते हैं, ठीक है। तो
देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर लिया कि हु हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड एडमिशन एंड क्वालिफाइड नेट एग्जामिनेशन विल बी गिवन प्रेफरेंस। तो साफ साफ इन्होंने मेंशन कर रखा है कि ऑलरेडी जिसने एडमिशन ले लिया है पीएचडी में या जिसका 1-2 साल ऑलरेडी उसने पीएचडी अपनी कंप्लीट कर ली है, तो उन्हें जो है यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाता है और उनको जो है लिस्ट में रखा जाता है एज कम्पेयर टू द अदर स्टूडेंट। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको देखने चाहिए। तो इसके बाद इन्होंने बोला कि अगर आपका जो अगर लिस्ट में नाम है तो आपको जो है अपना जो फेलोशिप है वो 3 मंथ के अंदर ही जो है एक्टिवेट कराना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ही और सी शुड अप्लाई फॉर फेलोशिप विद इन 3 मंथ। ठीक है, तो 3 मंथ के अंदर जो है आप जो है अपना फेलोशिप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर उन बच्चों का जिनका अभी भी कोई भी पीएचडी में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो उनके पास जो 3 ईयर्स का यहाँ पे जो है टाइम दे रखा है। अगर सपोज आपने एमएससी किया लेकिन आपका जो है पीएचडी में कहीं पर भी अभी एडमिशन आपने नहीं लिया है तो आपको 3 ईयर्स का टाइम दिया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ अवार्ड लेटर, यानी कि आपका जो अवार्ड लेटर की डेट है उससे आपको 3 ईयर्स का जो है टाइम दिया जाएगा कि और उन 3 ईयर्स में आपको किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एनरोलमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कहीं पर भी अगर आप जो एडमिशन लेना चाह रहे हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो पूरा एनेक्जर दे रखा है कि आपको अपना जो फेलोशिप है MANF 2020-21 वाला वो कैसे आप एक्टिवेट करा सकते हैं, तो यहाँ पे जो है सारे एनेक्जर मेंशन कर रखे हैं। तो इन एनेक्जर को थ्रू आप जो है वो जा सकते हैं और अपनी फेलोशिप को अगर एक्टिवेट करा सकते हैं अगर आपने जो है मास्टर में सॉरी पीएचडी में एडमिशन ले लिया है तो। ठीक है, बाकी गाइडलाइंस भी यहाँ मेंशन कर रखी है, तो आप गाइडलाइंस पे क्लिक करके जो यहाँ पे पूरी गाइडलाइंस दे सकते हैं। स्कोप ऑफ द फेलोशिप, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी, एलिजिबिलिटी, मोड ऑफ सिलेक्शन, नंबर ऑफ स्लॉट्स। तो देखिए यहाँ पे ये भी मेंशन कर रखा है कि आप जो हैं यहाँ पे अपनी फेलोशिप कैसे एक्टिवेट करा सकते हैं, कौन कौन सी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी जो आपको पैसा दे रही है, एलिजिबिलिटी क्या क्या आपकी होनी चाहिए, तो ये सब चीज़ें जो हैं बता रखें। और देखिए यहाँ पे जो सिलेक्शन और नंबर ऑफ स्लॉट्स यहाँ मेंशन कर रखा है, देखिए 1000 पर ईयर होता है, मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया ये टोटल जो फेलोशिप होती है वो 1 ईयर में 1000 होती है, उसमें से 500 6 मंथ के लिए और 500 6 मंथ के लिए, क्योंकि नेट का एग्जाम 2 टाइम्स होता है ईयर में, इसीलिए जो है ये भी फेलोशिप जो है वो भी डिवाइड हो गई 500 पर 6 मंथ। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं। लेकिन मैंने देखिए यहाँ पे बोला है कि 750 जो फेलोशिप होती हैं वो यूजीसी जेआरएफ के लिए होती हैं, जेआरएफ नेट के लिए, वहीं 250 जो फेलोशिप होती है वो साइंस कैटेगरी की होती है, मतलब सीएसआई नेट जेआरएफ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइए। तो मैक्सिमम जो यूजीसी जेआरएफ नेट वाले होते हैं उनको जो यहाँ पे 750 जो है लाइक नंबर उनका ज़्यादा है 750 है, वहीं आप साइंस कैटेगरी यानी सीएसआई यूजीसी नेट जेआरएफ अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो यहाँ साइंस कैटेगरी के लिए सिर्फ 250 है, वहीं आर्ट कैटेगरी के लिए यहाँ पे 750 फेलोशिप दी जाती है। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए फेलोशिप भी मेंशन कर रखा है, तो यहाँ पे अगर एमफिल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 2 ईयर्स जो है आपको फेलोशिप दी जाएगी, पीएचडी में 2 ईयर्स आपको एज ए जेआरएफ मिलेगा और 3 ईयर एज ए एसआरएफ आपको यहाँ पे पैसा जो है वो दिया जाएगा। इसके अलावा जो है आपको यहाँ पे एमफिल पीएचडी अगर आप कर रहे हैं तो 2 ईयर्स आप जो है जेआरएफ ले सकते हैं और रिमेनिंग 3 ईयर आप एसआरएफ यहाँ पे ले सकते हैं। फेलोशिप जो है यहाँ पे भी अपडेट कर दी गई कि आपको यहाँ पे अगर साइंस ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 31,000 मिलेगा इनिशियल 2 ईयर्स के लिए एज ए जेआरएफ, अगर आप जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के लिए करते हैं तब भी आपको 31,000 फॉर 2 ईयर्स मिलेगा। इसके बाद रिमेनिंग जो आपका अपग्रेडेशन होगा जेआरएफ टू एसआरएफ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ईयर्स, तो आपको रिमेनिंग 3 ईयर्स में यहाँ पे 35,000 का जो है अमाउंट यहाँ पे दिया जाएगा। वहीं बात करते हैं कंटीजेंसी फॉर साइंस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, तो साइंस वाले बच्चों के लिए इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी वालों के लिए 12,000 कंटीजेंसी रहेगी फॉर इनिशियल 2 ईयर्स के लिए और रिमेनिंग 25,000 रहेगी फॉर रिमेनिंग 10 ईयर के लिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। वहीं अगर आपको जो है किसी मेट्रो सिटी में पीएचडी कर रहे हैं यानी कि हैदराबाद हो गया, बेंगलोर हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, तो यहाँ पे आपको 24% एचआरए मिलेगा। वहीं अगर आप जो है नॉन मेट्रो सिटी में कर रहे हैं तो आपको 16% जो एचआरए दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा अच्छे से बताया गया है। तो इन सब चीज़ों को जो है आप एक बार अच्छे से पढ़िए ताकि आपको इसके रिलेटेड कोई भी जो है वो डाउट ना हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है या आप कुछ और जानना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।